अस्सलाम वालेकुम। और यार आज की शुरू में आप लोग का वेलकम करता हूँ। यार उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यार हमेशा खैरियत से रहें। तो यार आज की स्टूडियो का जनरली ऐसा था कि यार मैं मतलब दो वीडियो मेरे चैनल पर पहुँच चुकी हूँ, तो एक सब्सक्राइबर साहब मतलब मेरे अच्छा खासा कोई सब्सक्राइबर्स नहीं है, मतलब मेरे कोई सिर्फ दो तीन ही सब्सक्राइबर्स हैं जो अच्छे खासे हैं, मतलब मेरे लिए तो अच्छा खासा है। क्योंकि मैंने चैनल ये सोच के नहीं बनाया था कि यार मुझे फेम मिलेगा या ये होगा, सोचते ना तो मेरे दिमाग में ये आया कि तो मैं करूँगी तीसरी वीडियो में किस टॉपिक को लूँगा। ये मेरे चैनल की थर्ड वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैंने यही सोचा था कि कुछ ऐसा खास सोचा हूँ। तो फिर मैंने इस पर थोड़ा सा शरा किया गया करते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि क्या करें, तो मैंने बोला चलो रैंडम टॉक्स कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग थोड़ी बहुत रैंडम टॉक्स करने वाले हैं, और यही सोच कर मैं आया था कि यार थोड़ी बहुत रैंडम बातें कर लेंगे दो चार, तो चार पिला दी। और इसके बाद फिर अगर हम सोचें ना तो यार आगे बढ़ते बढ़ते हमें कुछ ऐसा खास नज़र तो नहीं आता, लेकिन फिर भी हम यही सोचते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो यही सोचते सोच के आगे बढ़ जाते हैं। और ऐसे ही चलते चलते ना मतलब एक वक्त ऐसा आता है कि कुछ खास हम लोग सोच ही जाए, तो कुछ खास हम लोग अगर सोचें ना तो कुछ ऐसा मतलब इतना खास नहीं होता कि यार ऐसा मतलब सोच लें। एक अंदर देखो अगर सोचने बैठे ना तो मतलब हज़ारों सोचें आती हैं कि यार ये कर लो ये, लेकिन यार एक मतलब गोल सेट होता ना कि यार ये करना है, तो फिर वही बंदा वही करता है, वही काम करता है। और वो काम करने के लिए मतलब बंदे के अंदर हिम्मत चाहिए, बंदे को मतलब सोच अच्छी होनी चाहिए। देखो मैं कोई आइंस्टाइन नहीं हूँ मतलब कि मैं इतना कुछ सोच सकूँ, लेकिन फिर भी कुछ अगर सोचने बैठे ना तो मतलब हज़ारों सोचें आती हैं कि यार बंदा ये कर लो ये कर लो ये कर लो, तो ये सोचते सोचते हर हर आगे निकल जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग ऐसे ही यार चलते चलते कुछ ऐसा सोच लेते हैं या कुछ ऐसा पास कर लेते हैं, तो जिससे हमें मतलब खुद भी ऐसा होता है कि यार बंदा ये कर, अब यही करते हैं ना तो मतलब यही करने की फिर वो कोशिश होती है। हम ऐसे चलते हैं करते हैं यार कि मतलब ये हो जाए वो हो जाए, तो यही सोचते सोचते ना मतलब हमें खुद भी होता है कि यार मतलब चलो कर लेते हैं। अब हम लोग वही करते रहते हैं ना, तो मतलब हमको खुद को भी होता है कि यार ये कर लेते हैं। अगर हम यही सोचते हैं यही सोच ले कर चलते रहें ना, तो यार ये सोच मतलब हमें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। क्योंकि यार देखो अगर आगे बढ़ते रहें हम लोग यही सोचते रहें यही सोच रखें आगे बढ़े, मतलब अगर हम लोग ये ना सोचें कि यार लोग क्या सोचेंगे अगर हम लोग आगे बढ़े तो यार आगे बढ़ के करेंगे क्या, ये सोच खैर वैसे तो बहुत ही ज़्यादा फजूल है, लेकिन फिर भी हम अगर ये सोचें ना तो यार मतलब एक तरीके से एक अच्छी लाइफ मिल सकती है। देखो वी डोंट केयर कोई क्या बोल रहा है, बस हमें ये सोचना चाहिए कि यार हमें ये करना है ये करना है और ये करना ही करना है। तो देखो यार एक ज़रूरी बात होती है यार, मतलब हर इंसान को एक ऐसा बनना चाहिए होता है कि जिससे वो हर कुछ शेयर कर सके। हर इंसान के पास ऐसी कोई एबिलिटी नहीं होती, लेकिन फिर भी हर इंसान अपने लिए एक ऐसा पर्सन चूज़ कर सकता है कि जिस पर वो पूरी तरीके से रिलायबल हो या पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सके। हर इंसान के पास ऐसी कोई सोच नहीं होती कि वो अपने लिए खुद ऐसा बंदा सिलेक्ट कर सके या अपने दोस्त खुद चुन सके। देखो दोस्ती अच्छी चीज़ है, लेकिन गैदरिंग ना बहुत ही देखभाल भी करना चाहिए। देखो दोस्ती आप हर किसी से नहीं कर सकते, मुझे पता है जिस जो आपकी अपनी आदतों का हो या जो आपको पसंद आए सिर्फ उससे ही आपकी दोस्ती होती है। ऐसा तो नहीं ना कि बंदा ये आया आपने उससे दोस्ती कर ली उसका नंबर ले लिया और हो गए दोस्त, ऐसे नहीं होता। पहले मैं हल्की फुल्की बातचीत हो हंसी मजाक ऐसे बातचीत हो। देखो दोस्ती में और गैदरिंग में तो इतना खास फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा फ़र्क है। देखो गैदरिंग जो होती है ना मतलब उससे आपकी पूरी लाइफ चेंज होती है, पूरी लाइफ पे असर होता है कि यार मतलब ये चीज़ है यार तो ये चीज़ करनी है, मतलब हर बंदा अपनी गैदरिंग को चूज़ करता है वैसे तो, और यही मतलब वो चूज़ करके यही सोचता है कि यार मतलब क्या करें। तो यार आज की छुट्टियों के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ जाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं लेकर अपना